देखते हैं मधेपुरा लाइव न्यूज, खबरें आपसे आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लालू के बरेलाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। लगातार ये एक मुहिम छेड़ रखे हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, एनआरसी को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये सहरसा भी पहुंचे थे और क्या कुछ यहाँ पे उनका सभा हुआ है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। अब सहरसा पहुँचे हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहा यहाँ का, क्या लगता है, क्या कुछ संदेश? मैं लगातार मेरा पूरे बिहार में कार्यक्रम समझिए कि आज से चालू हो गया और पटना में भी मैं एनआरसी और सीए एनआरपी को लेकर के मैं प्रोटेस्ट में मैं शामिल हो रहा था और सहरसा में भी आज कार्यक्रम को हमने किया। तीन जगह हमारा कार्यक्रम आज हो गया तो इसको लेकर के पूरा जनता के बीच में है, प्रोटेस्ट जारी है। जब तक काला कानून नहीं हटेगा तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमारा जो सपोर्ट है उन लोगों को मिलता रहेगा। जिस तरीके से समाज का एक बड़ा तबका इस वक्त सड़कों पर आ गया है, क्या इससे पहले इस तरह की कभी स्थिति उत्पन्न हुई थी? नहीं, देखिए इस तरीके का पहले स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी और इन लोगों की जो सांप्रदायिक ताकतों की जब से सरकार आई है तब से कुछ ना कुछ उथल पुथल पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। इस काले कानून के प्रति आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मेरा पार्टी का स्टैंड तो हम लोग तो उसको विरोध कर रहे हैं। क्या जीत मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम लोग विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जीत अवश्य लेकर आएंगे हम लोग। आप अपना जो लगातार आप कभी ये कहते हैं कि हमारा बड़ा भाई हमारा नेता है, कभी पिताजी की बात भी सामने आती है, तो आप अपना किसको आदर्श मानते हैं? देखिए पहले तो हमारा बड़ा भाई तो कोई है नहीं, बड़ा भाई तो मैं ही हूँ, तेजस्वी जी हमसे छोटे हैं और पिता हैं हमारे, तो मैं उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानता हूँ। मैं उनसे इंस्पायर हूँ, उनसे राजनीतिक गतिविधियाँ जो हैं मैं सीखने का काम करता हूँ। टी शर्ट पे आप कुछ लिखे हुए? हमने लिखे हैं, ये हमने बनाया है तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार, इसको लॉन्च हमने किया है, हाल ही फिलहाल इसको लॉन्च किया है और उसको लेकर के हम इस बैनर के तले और पूरे बिहार में जो जिस तरीके से गतिविधि बढ़ रहा है, तेज़ रफ्तार हम लोगों का हो रहा है, छात्रों का, नौजवानों का, तमाम लोगों का, महिलाओं का, उसको लेकर के जनता के बीच में इसमें कई एक मुद्दा हैं जो जनता को ठगने का काम किया, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तमाम ऐसे मुद्दाएँ हैं जिसको सरकार को हम लोगों ने घेरने का काम किया है फील्ड में और जनता को बताने का काम किया है कि किस तरीके से जनता को ठगा गया, तो उसको लेकर के हमने एक मुहिम इसको छेड़ रखा है। आपका भाई वो लगातार एक यात्रा पे निकल पड़े हैं, क्या है कुछ मुख्य उद्देश्य उनका? उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है, सामाजिक न्याय का सरकार बने बिहार में, गरीब गुरबा का सरकार आए, उसको लेकर के नौजवानों को रोज़गार मिले, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक तरीके का। तो सरकार जो कानून लाई है जिसको लेकर एक समाज का एक बड़ा तबका आंदोलन कर रहा है, शाहीन बाग की तरफ पे पूरा जो लोग है वो एकजुट हो गए हैं, सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, जो काला कानून है इसका सब जगह विरोध किया जा रहा है और हम भगवान से भी यही कामना करते हैं कि प्रोटेस्ट हमारा सक्सेसफुल रहे, बढ़िया रहे, लगातार जीत हो। लगातार आप अपने पिताजी से मिलने जाते हैं कभी कभी? हाँ, मिलने जाते हैं पिताजी से और पिताजी से पॉलिटिकल चर्चाएं भी होती हैं बिहार के को लेकर के, कैसे बिहार को आगे बढ़ाना है, सारा चीज़ संगठन को कैसे आगे बढ़ाना। वर्तमान की जो राजनीति को उसको कैसे देखते हैं? वर्तमान में जो अभी जो राजनीति चल रहा है देख लीजिए कि जनता लोग ठगा हुआ पूरे तरीके से महसूस कर रहा है और पिताजी के नहीं होने से भी लोग थोड़ा सा मायूस है, लेकिन हम लोग दोनों भाई अपने अपने मोर्चा को संभाले हुए हैं और फील्ड में निकले हुए अपने अपने कार्य को लेकर के और जनता के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी प्रशांत किशोर को अलग कर दिया है, अब उनका दल का मामला है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो इनका साफ कहना है कि काले कानून को लेकर लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा इस वक्त के लिए। आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज, खबरें आपसे आप तक।